हेलो एस्पिरेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ स्पोर्ट्स के कुछ नए थीम एशियन गेम्स 2018 विद न्यू ट्रिक्स। ये स्पोर्ट्स का पार्ट टू है। इसमें एशियन गेम्स में कौन कौन विनर रहा, इंडिया ने कितने मेडल्स बनाए, कौन से नंबर पे रैंकिंग रही है, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एशियन गेम्स की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। द एशियन गेम्स ऑल्सो नोन एज एशियाड, इसको एशियाड भी कहा जाता है और ये कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है। हर 4 साल में होता है ऑल ओवर एशिया। तो एशियन गेम्स इसीलिए इसका नाम है क्योंकि ये ऑल ओवर एशिया होता है, सिर्फ एशियन कंट्रीज में होता है। द गेम्स वर रेगुलेटेड बाय द एशियन गेम फेडरेशन फ्रॉम द फर्स्ट गेम्स इन न्यू दिल्ली। जो सबसे पहला एशियन गेम हुआ था वो 1951 में इंडिया में ही हुआ था, इंडिया न्यू दिल्ली में हुआ था। और इसके बाद 1982 तक एशियन 1982 में जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। 1978 के गेम तक एशियन गेम्स फेडरेशन ने इसको रेगुलेट किया। द गेम्स आर रिकग्नाइज बाई द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड डिस्क्राइब्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट आफ्टर द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट इवेंट कहलाता है। 9 नेशंस हैव होस्टेड द एशियन गेम्स। 9 देशों ने अभी तक एशियन गेम्स में होस्ट किया। 46 नेशंस हैव पार्टिसिपेटेड इन द गेम्स इंक्लूडिंग इसराइल। इसराइल ने भी इस बार इसराइल ने पार्टिसिपेट किया है। तो टोटल 46 नेशंस हैं जो अभी तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं। विच वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द गेम्स आफ्टर देयर लास्ट पार्टिसिपेशन इन 1974। तो हम बात करेंगे 18th एशियन गेम 2018 की। इसका होस्ट कंट्री रहा है इंडोनेशिया। इसमें 2 सिटीज पर हुआ ये इवेंट्स, जकार्ता और पैलेमबर्ग पे। तो 67 सालों की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है जब एक देश के 2 सिटीज में इसको रखा गया, होस्ट किया गया। ये 18 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में नीरज चोपड़ा थे और क्लोजिंग सेरेमनी में रानी रामपाल थी। ये दोनों नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद कर लीजिएगा। और अगला गेम जो है 2022 का चाइना में होने वाला है, होंगझू में। 1951 में जो एशियाड हुआ था, सबसे पहला एशियाड कहलाता है वो, उसमें इंडिया सेकेंड रैंक पर आई थी और उसमें वो हुआ था न्यू दिल्ली इंडिया में। टोटल 15 गोल्ड अर्जित किए गए थे और 51 ओवरऑल मेडल्स पाए गए थे इंडिया के द्वारा। 2010 एशियाड का चाइना में जो गेम हुआ उसमें इंडिया 65 ओवरऑल मेडल्स ला पाया। इसके बाद है 2014 एशियाड जो इंचियोन साउथ कोरिया में हुआ, जिसमें इंडिया का 8th रैंकिंग आया। तो चलिए इसको याद करते हैं ट्रिक से कैसे होगा। जो पहला एशियाड था वो हुआ था इंडिया में, इंडिया 1951, और 51 मेडल, 15 गोल्ड हुआ था। देखिए दोनों में 15 गोल्ड है, लास्ट एशियाड जो है और फर्स्ट एशियाड जो है दोनों में 15 गोल्ड है। तो इससे आपको याद रहेगा कि अभी लेटेस्ट में कितने गोल्ड जीते गए इंडिया के द्वारा, 15। और अभी का जो एशियाड हुआ, देखिए इंडोनेशिया और सबसे फर्स्ट वाला इंडिया, दोनों का राइमिंग सेम बन रहा है, इन वन ईयर इंडिया इंडोनेशिया। 2018 में 69 मेडल टोटल लाए गए हैं, अर्जित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इसके मोटो और मैस्कॉट की। इसका मोटो है एनर्जी ऑफ एशिया और इसका मैस्कॉट, ये इस गेम में मैस्कॉट 3 रखे गए हैं भिन्न भिन्न, जो कि बर्ड पैराडाइज कहलाता है, अतुंग जो कि बेबियन डियर होता है, और काका
जो कि राइनोसेरस होता है। तो देखिए आप इमेज में देख रहे होंगे, सबसे नीचे राइनोसोरस है, बीच में डियर है और सबसे ऊपर बर्ड्स ऑफ पैराडाइज भिन्न भिन्न। तो पहले काका, फिर अतुंग, फिर भिन्न। तो ट्रिक हम याद करेंगे, काका भिन्न भिन्नातुंग, काका भिन्न भिन्नातुंग। तो इससे ये ट्रिक से आपको याद रहेगा कि इसके मैस्कॉट क्या क्या रहे हैं। नेक्स्ट है मिडिल टैली में, आप देख लीजिए, थोड़ा सा नज़र मारिए, देखिए जैसे सबसे फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट रैंक पे जो है चाइना रहा है, उसने 132 गोल्ड मेडल जीते। दूसरे नंबर पे जापान, तीसरे नंबर पे साउथ कोरिया और चौथे नंबर पे इंडोनेशिया आया है। मतलब जहाँ पर होस्ट किया गया वो चौथे नंबर पे आया, और इंडिया हमारा 8वें रैंक पे आया, जिसमें 15 गोल्ड हैं, 24 सिल्वर हैं और 30 ब्रॉन्ज हैं। टोटल 69 मेडल्स हैं इंडिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है गेम्स विनिंग गोल्ड इंडिया। अभी तक एशियन गेम्स 2018 में यही 7 गेम्स हैं जिसमें गोल्ड मेडल जीते गए हैं। तो ये इवेंट्स हैं, एथलेटिक्स में 7 मेडल, शूटिंग में 2 मेडल, रेसलिंग में 2 मेडल और ब्रिज, लॉन टेनिस, रोइंग, बॉक्सिंग में 1-1 मेडल। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स में 19 मेडल्स जीते गए। और इसका ट्रिक है कैसे याद रखेंगे, देखिए अश्विनी और ब्रिजलाल का रिकॉर्ड, अश्विनी अश्विनी में अलग अलग करिए, देखिए अश्विनी ए एस, देखिए ए हो गया एथलेटिक्स, एस हो गया शूटिंग और डब्ल्यू हो गया रेसलिंग, ठीक है। और ब्रिजलाल में हो गया ब्रिज एंड लॉन टेनिस, और रोबोट में हो गया रोइंग, बॉक्सिंग। तो लास्ट के जो 4 हैं उस पर 1-1 मेडल, बीच के 2 हैं उस पर 2-2 मेडल, और सबसे पहला एथलेटिक्स वाला उसमें 7 गोल्ड मेडल जीते गए। नेक्स्ट है, अब देखिए गोल्ड मेडल्स में कुछ विनर रहे होंगे, तो जितने भी गोल्ड मेडल के विनर हैं उन सब के नाम हमको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि फलाना खिलाड़ी किस गेम से संबंधित है तो हमें बताना होगा। तो 18th एशियाड में गोल्ड मेडल कौन कौन सा है, पहला गेम हम देखते हैं रेसलिंग। रेसलिंग में 2 नाम आते हैं, पहला गोल्ड मेडल जो है सबसे एशियाड 2018 में इंडिया की तरफ से सबसे पहला गोल्ड मेडल जो है बजरंग पुनिया ने लिया 65 kg फ्री स्टाइल में। और दूसरा जो सबसे पहली वुमेन थी, वुमेन रेसलर जो कि एशियाड में गोल्ड मेडल जीती हैं, वो हैं विनेश फोगाट 50 kg फ्री स्टाइल की। तो देखिए नाम कैसे याद रहेंगे, देखिए जैसे जब जहाँ भी रेसलिंग होती है वहाँ के मैदान में बजरंग बली की फोटो लगाई जाती है, तो बजरंग पुनिया जो है वो रेसलिंग से संबंधित हैं, ये याद आपको हो जाना चाहिए। और फोगाट सिस्टर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसकी पिक्चर भी आप देख चुके हैं। तो विनेश फोगाट नाम से अगर आता है, ये भी रेसलिंग से हैं, ठीक है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, जेवेलिन थ्रो, देखिए जेवेलिन थ्रो एक ऐसा गेम है जिसमें एक रॉड को काफ़ी दूरी तक फेंका जाता है, और जो जितना ज़्यादा फेंकता है उसके हिसाब से उसकी रैंकिंग हो जाती है। तो इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है पहली बार जेवेलिन थ्रो में, जो कि हरियाणा से हैं। और इसके बाद देखेंगे दूसरा शॉर्ट पुट में तजिंदर पाल तूर, ये पंजाब के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने शॉर्ट पुट पे गोल्ड मेडल जीता है। रनिंग में 2 लोगों ने जीता है, एक मंजीत सिंह, एक जिनसन जॉनसन। देखिए मंजीत सिंह का ट्रिक मैं बता सकता हूँ, जैसे मंजीत सिंह क्या है कि मंजीत सिंह के पतंग का मंजा टूट गया तो उसने रनिंग करना स्टार्ट कर दिया अपने पतंग को पकड़ने के लिए। तो मंजीत सिंह जो है हरियाणा के, वे रनिंग में 800 मीटर में गोल्ड मेडल जीते हैं। जिनसन जॉनसन, ये तो नाम ही बहुत बड़ा दिख रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये नाम नहीं लग रहा है जैसे रेसिंग ट्रैक हो। तो जिनसन जॉनसन एक रेसिंग ट्रैक, रनिंग से संबंधित जिनसन जॉनसन, ये सिर्फ याद करने का तरीका है। तो चलिए इसे भी याद कर लीजिए, कोझिकोड़े केरला में ये रहते हैं, वहाँ से रहने वाले हैं। नेक्स्ट है देखिए नीरज चोपड़ा इस समय बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे चल रहे हैं, और ये इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, तो इनको आप देख लीजिए किस तरह दिखते हैं। नेक्स्ट हैं तजिंदर पाल तूर, उनको भी आप देख लीजिए एक बार। रनिंग में वुमेन में
400 मीटर रिले में चार लोगों के द्वारा जीता गया। 400 मीटर रिले ऐसा होता है, देखिए उसमें क्या होता है कि 100 मीटर में चार लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हर 100 मीटर में दूसरे खिलाड़ी को दौड़ना पड़ता है। तो वो कुछ ले करके आते हैं और दूसरे खिलाड़ी को जब पास कर देते हैं तो दूसरा खिलाड़ी रन करना स्टार्ट कर देता है, और लास्ट वाला जब रन करके सबसे पहले पहुंच जाता है तो ये 400 मीटर रिले जो है पूरा हो जाता है। तो इसमें पूबम्मा, सरिता बहन, हिमा दास और विश्माया, ये चार ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इस पर भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता। हिमा दास के बारे में एक चीज़ और है कि हिमा दास इससे पहले IAAF एथलेटिक्स चैंपियनशिप फेडरेशन में, जो कि फिनलैंड में हुआ था, उसमें भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। ट्रिपल जंप में अरपिंदर सिंह जीते हैं और हेप्टेथलॉन में स्वप्ना बर्मन। देखिए स्वप्ना बर्मन का ये ट्रिक है कि उन्होंने अपना वो गरीब परिवार से रहने वाली हैं, तो उन्होंने ये सपना पूरा कर दिया कि वो पहली बार वुमेन होके हेप्टेथलॉन में जीत गई। हेप्टेथलॉन क्या होता है, उसमें एक ही साथ सात प्रकार के गेम होते हैं, सब में जीतना होता है, जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, रेसिंग, हर्डल्स और भी, ठीक है। तो ये हेप्टेथलॉन होता है जिसमें जीतना पड़ता है। नेक्स्ट है शूटिंग। शूटिंग में मेंस में एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी, जो कि यंगेस्ट एशियाड गोल्ड विनर कहलाए, उन्होंने जीता है। और वुमेन्स में 25 मीटर पिस्टल में राही सरनोबत ने, ये पहली ऐसी वुमेन है जिन्होंने एशियाड में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। तो राही सरनोबत 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। ब्रिज गेम में देखिए मेंस पेयर में दो लोग थे, प्रणव वर्धन एंड सिद्धार्थ सरकार। ब्रिज गेम देखिए कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ब्रिज गेम जिसमें एक टेबल होता है और उसमें चारों तरफ कार्ड्स लगे होते हैं और इन कार्ड्स के थ्रू इसको खेला जाता है। रोइंग में देखिए, रोइंग में क्या होता है कि एक नाव से दौड़ की जाती है पानी में, तो क्वाड्रपल स्कल ये होता है कि इसमें चार लोग नाव में बैठकर रनिंग करते हैं, उसको नाव को सेल करते हैं, तो जो जीतता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह, दत्तू भोकनल, ओम प्रकाश, सुखमीत सिंह, ये चार ऐसे विनर थे। नेक्स्ट है रोहन बोपन्ना लॉन टेनिस में एंड द्विज शरण लॉन टेनिस में। अमित पंगल भी बॉक्सिंग में जीते हुए हैं, 49 kg, उनका लाइट फ्लाईवेट था, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पूरे एशियाड 2018 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो हैं वो रिकाको इकी को मिला है। वे स्विमिंग से हैं, ओनली वुमेन हु वॉन 6 गोल्ड मेडल इन एशियाड। तो टोटल 8 मेडल उन्होंने जीता जिसमें 2 सिल्वर मेडल और 6 गोल्ड मेडल था। देखिए रोहन बोपन्ना ये इस प्रकार दिखते हैं और द्विज शरण जो हैं वैसे दिखते हैं। तो इन दोनों की इमेज मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि इन खिलाड़ियों को भी आप पहचानने लगी। रोहन बोपन्ना देखिए, आप पिक्चर देख के अगर किसी चीज़ को समझते हैं तो वो चीज़ जल्दी याद होती है। तो चलिए, ये स्पोर्ट्स का एक नया ट्रिक था और स्पोर्ट्स का एक नया इवेंट आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।